नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे ग्रुप। दबाए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए अपने मोबाइल पर देश प्रदेश की खबर। घंटी के बटन को जरूर दबाए। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 11 मार्च से पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। अभियान के तहत पलवल जिले में 182,440 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पोलियो की दवा सभी स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, जिला अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पिलाई जाएगी, ताकि बच्चों में होने वाली पोलियो की गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक ने कहा कि प्लस पोलियो अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पिए बगैर ना रहे। अभियान का सकारात्मक परिणाम सामने आना चाहिए। स्थानीय लोगों को भी पोलियो अभियान को सफल बनाने में अहम योगदान देना चाहिए। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राउंड की शुरुआत है, सारा डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है कि 182,000 के लगभग बच्चों के लिए 844 के लगभग इन्होंने बूथ बनाए हैं, और जो आज रह जाएंगे उनको कल उन बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। तो यह अभियान हमारे इस सारे क्षेत्र में सफल रहे और अच्छा रिजल्ट आए, कोई बच्चा इससे ना छूटे, इस को लेकर के सारा प्रशासन लगा हुआ है। मैं सभी अपने डॉक्टर्स की टीम को बधाई भी देता हूँ और इस बात की भी कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र से कोई बच्चा ना छूटे और इस अभियान की पूरी सफलता रहे। और साथियों, मैं इस मौके पर सभी बच्चों के स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ और सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें और हमारे इस अस्पताल में सभी को ठीक ढंग से उपचार के लिए उनका यहाँ पर हमारे डॉक्टरों का पूरा सहयोग रहे। इन्हीं अपनी शुभकामनाओं के साथ, सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एज ए मुझे भी आने का मौका मिला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।